साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे आज बात करेंगे, सीरीज वाइज में चल रहा हूं, पहले एक दो वीडियो और भी जापान से रिलेटेड या फिर सिंगापुर से रिलेटेड और भी मैं वीडियो डालता रहता हूं। हम बात करेंगे आज रशिया से रिलेटेड, रशिया पर भी वही बात है भाई, तीन टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि रशिया की सबसे ज्यादा रिक्वायर आती है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कमेंटेज काफी सारे, तो उस रिक्वायरमेंट में मैं वीडियो बना रहा हूं। साथियों आज अपन बात करेंगे विजिट वीजा, बिजनेस वीजा और वर्क परमिट वीजा, तीन तरह के वीजा होते हैं जिससे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हर आदमी को, हर इंडियन बंदे को। अगर कई लोग विजिट वीजा में जाना चाहते हैं, कई लोग बिजनेस के पर्पज से या फिर वर्क परमिट के, मेन तो वर्क परमिट से रिलेटेड है, तीन कैटेगरी है, तीनों पे आज अपन बात करेंगे। विजिट वीजा से रिलेटेड किस तरह से क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा लगता है, किस तरह से आपको वीजा मिल सकता है बिना एजेंट के, एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती भाई, ये वीजा अगर आप एजेंट के थ्रू लोगे तो बहुत पैसा वो खा जाते हैं। तो साथियों इसी तरह के रोज वीडियो अपडेट पाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बटन दबा लें ताकि हर रोज इसी तरीके के वीडियो आपको रोज मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों रशिया मैं बता दूं एक शानदार कंट्री है, खासतौर से इंडिया का सबसे पहला फ्रेंड ये है, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक वैसे ही दोस्ती चली आ रही है। इंडियन पीपल्स, रशियन पीपल्स इंडियन को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वो अपने को एक मित्र मानते हैं, जैसे अपन मानते हैं ना रशिया को, उसी तरीके से। तो रशियन गवर्नमेंट इंडियन बंदों को वीजा भी आसानी से दे देती है, कोई झंझट नहीं होता, तुरंत ही वीजा मिल जाता है। दूसरे कंट्रियों की तरह नहीं होता कि टाइम लग जाता है, रिफ्यूजल आ जाता है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, वीजा भी सस्ता है। और सबसे इजी आसान स्टेप में बताऊंगा जिससे आप वीजा अपना आराम से निकाल सकते हो बिना एजेंट के, मात्र 2 से 4 दिन के अंदर। ठीक है साथियों, तो आज अपन बात करेंगे। साथियों एक मैं बता दूं कि अगर आप रशिया जा रहे हैं तो वहां रूबल करेंसी, रूबल चलती है, जो रूबल के हिसाब से तो रशिया में इतनी सैलरी नहीं है, पर 30-35 हजार के करीब बंदा कमा सकता है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिल सकती। लेकिन कंट्री अच्छी है, सेम इंडिया जैसा, हाँ ठंड बहुत ज्यादा वहां पे, -10-12 तक माइनस होता है वहां पे टेम्परेचर, तो ये वो एक अलग इश्यू है। अगर आप विजिट वीजा में जापान रशिया जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से, तो अपना बात करते हैं। आपके पास सबसे पहले बता दूं पासपोर्ट होना जरूरी है, एक ही फ्रंट पे साथियों होना चाहिए, ऊपर फर्स्ट पेज नीचे सेकंड पेज, एक ही फ्रंट पे पासपोर्ट की आपके पास कॉपी होना चाहिए। एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, आप अगर रशिया जाना चाहते हैं तो आपका डेट डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि आप कौन सी डेट में जाना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए 15 मार्च को जा रहे हैं तो आपको फिक्स डेट रखना पड़ेगा कि भाई हम 15 मार्च से 25 मार्च तक आप रशिया में जा रहे हैं, वो ही डेट आपको मिलेगी। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप टिकट देख ले, पहले ऑनलाइन टिकट सर्च कर लें कि भाई कौन से दिन की आपको टिकट सस्ती आ रही, उसी दिन का आप यहाँ पे वीजा लें। क्योंकि ये नहीं कि आपको वीजा मिल गया फिर आप, ऐसा नहीं होता वहां पे, आपको डेट बतानी पड़ती है वहां एम्बेसी में या वीपीएस में कि भाई हमें इस तरह का वीजा, इतनी डेट का वीजा चाहिए, उसी डेट का आपको वीजा मिल जाएगा। इससे पहले आप टिकट फाइनल करके टिकट बनवा लें कि भाई आप मान लीजिए 15 तारीख को आपको टिकट सस्ती आ रही है तो आप वीजा भी 15 तारीख का ही लें, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आप ये वीजा एम्बेसी भी ले सकते हैं, एम्बेसी से, रशियन एम्बेसी से भी ले सकते हैं, वीएफएसए से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़े चार्जेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये बीच में इमीडिएटर होता है जिसको एजेंट आप बोल सकते हो, यहाँ आप दोगे तो ये बंदा यहाँ लेके आएगा, तो इनके बीच में जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जिसमें आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक एजेंट की भूमिका निभाते हैं। ठीक है साथियों, वीएफएस फिलहाल इंडिया में जोरों पे है, हर आदमी इसी से काम करवाना चाहता है एम्बेसी में, क्योंकि सरकारी अफसर से कौन माथा पच्ची करेगा भाई, यहीं से अपन काम करवा लेते हैं, पैसा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा लग जाएगा, इतना इश्यू होता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप रशियन वीजा लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी वीजा, विजिट वीजा, बिजनेस वीजा या फिर वर्क परमिट वीजा, इसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा साथियों। ये अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, इनविटेशन लेटर जिसको बोलते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन रशिया की आपको साइट पे आप जाओगे। ठीक है, मैं लिंक आपको डाल दूंगा, आपका मेल आईडी आपको लिंक डाल दूंगा, वहां आप ओपन करोगे तो वहां से आप अपॉइंटमेंट लेटर जिसको बोल सकते हैं, किसी भी कंपनियां होती है वो दे देती है, उसके बदले आपको चार्ज करना पड़ता है $20, $19-20 का आपको चार्ज लगेगा। जैसे यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो इनकी तरफ से एक लिंक आएगा आपकी मेल पे, जिस आप फोन से जिससे ट्राई कर रहे हो, 5-10 मिनट में लिंक आ जाता है, उसपे आपको $20 का भुगतान करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको इनविटेशन लेटर आपको उसी मेल पे दे देती है जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, उसी इन्विटेशन के आधार पे ही वीजा मिलेगा डायरेक्टली। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है रशिया का कि आपको वीजा मिले, इन्विटेशन पे वीजा मिलता है। और भाई रशिया का एक सिस्टम बता दूं, इन्विटेशन के नाम से सबसे ज्यादा इंडिया में ठगी हो रही है,
आज से 6-7 महीने पहले मेरे साथ मेरे जानकार बंधुओं के साथ भी ऐसा हुआ था। हालांकि हमने तो मुकदमा वगैरह कर रखा है, अभी दिल्ली और बॉम्बे के मैन पावर ऑफिस है, उन्होंने भी ये चीटिंग कर ली बंदा, लेकिन मैन पावर ऑफिस सही थी, लेकिन बीच में जो वर्कर बैठते हैं ऑफिस में वो चीटिंग कर ले तो मैन पावर वाला क्या करे। हालांकि केस चल रहा है एम्बेसी टू एम्बेसी, दिल्ली मैन पावर का काम था और बॉम्बे वाले बीच में बंदा था वो करवा रहा था। अभी केस चल रहा है, अगर लाइसेंस बचाना होगा तो पैसे वापस करने पड़ेंगे, शायद मार्च तक पैसे मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बीच में मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि रशिया हर आदमी वीजा लेना चाहता है, इनविटेशन लेटर लोगों को दे दिया जाता है कि ये आपका वीजा है और उसी के नाम से लोग पैसा ले लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इनविटेशन लेटर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि इनविटेशन लेटर कैसा होता है, उसका सिर्फ $20 लगता है और वो इनविटेशन लेटर रशिया जाने के लिए होता है, वीजा अप्लाई करने के लिए नहीं कि वो वीजा होता है। ये इनविटेशन लेटर लेने के बाद में साथियों आपको करना क्या पड़ेगा, पूरी आपकी साइट पे जाके पूरा फॉर्म वगैरह फुल फॉर्म भर के आपकी पूरी कंप्लीट जानकारी, आपका नाम पासपोर्ट नंबर फलाना ढिमका जो भी वो मांगेगा वो पूरा भर के उसका प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। प्रिंट के साथ में उसकी कॉपी कर लेनी है, साथ में फोटो उस फॉर्म पे आपको लगा देना है, ठीक है साथियों। ये फॉर्म हो गया कंप्लीट, बाकी आपको इसमें टिकट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट की भी रशिया के वीजा में जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो हो गया प्रोसेस, अब आपको एकदम इजीली आप बात करें पैसों की, तो अगर आप रशिया का वीजा ले रहे हैं विजिट वीजा तो मात्र 1300-1400 रुपए का खर्चा भाई, ठीक है इतना ही पैसा लगता है रशिया के वीजा का, कोई ज्यादा खास खर्चा नहीं है, 2-4-5 दिन लास्ट 7 डेज में आपका ये वीजा लग जाता है। अगर आपको अर्जेंट चाहिए तो भाई 2 दिन में मिल जाता है, उसका 2500 रुपए यानी डबल खर्चा हो जाता है। ये रशिया का विजिट वीजा है, बहुत आसान है, आप ले सकते हैं बिना किसी एजेंट के बहुत इजी तरीके से, ठीक है साथियों। मैंने आपको रशिया से रिलेटेड विजिट वीजा के बारे में आज बताया, नेक्स्ट वीजा में बात करेंगे बिजनेस वीजा, थर्ड में बात करेंगे वर्क परमिट वीजा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर ले, साथ में चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हर रोज इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो आते हैं जिससे घर बैठे आपको सही जानकारी मोटिवेशन मिल सके, जिससे भविष्य में जिस किसी कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं आपको सही जानकारी मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।